नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार। दरअसल नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चले, क्योंकि जितने भी अभी तक के ओपिनियन पोल आए हों या बिहार को लेकर सर्वे आया हो, इसमें उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद अब वो लगातार अपने पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। रविवार को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के पूर्व सांसदों और विधायकों को सीएम आवास पर बुलाया, उनसे मुलाकात की, बातचीत की और आगे की रणनीति उनके साथ बना रहे हैं कि पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी नहीं हुई हमको। हमको जो है पार्टी कार्यालय से कल जो है फोन गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भाई सभी जो है पूर्व विधायक के साथ में जो है बैठक करेंगे 11 बजे। आप लोग आइए। क्या बात करेंगे? चुनाव का समय आने वाला है, क्या कुछ अगले साल 24 में चुनाव है, इंडिया है, इंडिया अब देखिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो अब क्या कह रहे हैं, मान क्या आदेश हम लोग को दे रहे हैं, जो आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी नीतीश कुमार कई बार अपने विधायकों और सांसदों को बुला चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों से हो रही है, जो इसके पहले जेडीयू से सांसद रह चुके हैं या जेडीयू की तरफ से विधायक रहे। उन सभी नेताओं को बुलाया है और उनसे बातचीत हो रही है। दरअसल जब से इंडिया को फॉर्म किया गया है, उसके बाद से नीतीश कुमार एक्टिव है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये भी है जेडीयू के लिए, क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा होता है तो सीट के बंटवारे में जेडीयू के हिस्से में कितनी सीटें जाती हैं, वो कौन सी सीटें होंगी और क्या अगर वह जीती हुई सीट के अलावा कोई दूसरी सीट है, तो मुश्किल ये भी होगी कि कैंडिडेट कौन होगा। ऐसे में अब तैयारी पूरी तरीके से जेडीयू कर रही है, क्योंकि बार बार बीजेपी यह दावा कर रही थी कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में। ऐसे में वो नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि उनके पार्टी के अंदर कोई टूट नजर नहीं आए, पार्टी एकजुट दिखे, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरीके से देखें तो विपक्षी एकता की मुहिम की अगुवाई भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। नीतीश कुमार ने पटना में इसकी अगुवाई की, उसके बाद बेंगलुरु भी गए और अब तैयारी पार्टी अपने स्तर पर कर रही है बिहार में। बार बार नीतीश कुमार ये भी कहते रहे हैं कि क्या पता कभी मध्यावधि चुनाव ही ना हो जाए, सरकार मध्यावधि चुनाव ना करवा ले, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए भी शायद इन मीटिंगों का दौर चल रहा हो, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर छोड़ी जाए, क्योंकि जेडीयू इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वो चाहेगी कि उसका परफॉर्मेंस बिहार में जरूर बेहतर हो, क्योंकि अगर बीजेपी के विजयी रथ को रोकना है तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।